आप एक ऐसी जिंदगी इमेजिन कर सकते हो जहाँ सोसाइटी आपके साथ पानी तक ना पिए, जहाँ पर आपके साथ हाथ मिलाना भी एक पाप समझा जाए, जहाँ आपको बाकियों से नीचा दिखाया जाए, आपके घर में कोई बीमार है और डॉक्टर इलाज करने से मना कर दे, कोई मरता है मर जाए लेकिन इलाज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आप उनके जैसे नहीं हो। सेम दो हाथ है, दो आंख है, दो पैर है, दो कान है, एक नाक है, लेकिन तब भी आपको बोल दिया जाए कि आप अलग हो। जरा सोचिए कितना संघर्ष भरा जीवन रहा होगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। किस स्कूल में भी उन्हें सभी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने की इजाजत नहीं थी, उन्हें क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई करना पड़ता था। ऐसी हालत में कोई भी बच्चा कहेगा मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे नहीं करनी पढ़ाई, लेकिन बाबा साहेब कैसे बच्चे थे जो इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। सच में बहुत कुछ है इनकी जिंदगी से सीखने के लिए। कोई बल को अपना हथियार बनाता है, कोई शांति को अपना हथियार बनाता है, लेकिन बाबा साहेब ने अपने एजुकेशन को अपना वेपन बनाया, अपना हथियार बनाया। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में 26 डिग्रियां ली। इकोनॉमिक्स में ही उन्होंने 29 कोर्स किए, सोशियोलॉजी में 6, फिलोसफी में 5, एंथ्रोपोलॉजी में 4, पॉलिटिक्स में 3 और जर्मन एंड फ्रेंच लैंग्वेज में 1-1 कोर्स किया। हमारे यहाँ पूरे एरिया में इतनी डिग्रियां नहीं होती जितनी उन्होंने अकेले करी। इमेजिन करके देखो, एक इंसान जिसको समाज पढ़ने नहीं दे रहा था, धुतकार रहा था, सारे हालात उनके अगेंस्ट थे, उस इंसान ने उसी पढ़ाई के दम पे अपनी अपनी फैमिली की और पूरे देश की पहचान दुनिया में कराई। और एजुकेशन के सहारे वो ऐसा लड़े कि जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, जब भी एजुकेशन की बात आती है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम सबसे पहले हमारे सामने आता है। और उन्होंने अपनी लाइफ में न सिर्फ एजुकेशन को बल्कि इंटेलिजेंस और स्किल, इन तीनों चीजों पर फोकस किया। वो अपने आप को एजुकेट करते रहे, अपने इंटेलिजेंस पर काम करते रहे और इन दोनों की मदद से अपने स्किल को भी ग्रो करते रहे। और यही फॉर्मूला आप जैसे पढ़ाई करने वाले बच्चे के लिए भी हो सकता है कि एजुकेशन गेन करते रहो, अपने इंटेलिजेंस पे काम करते रहो और इन दोनों की मदद से अपने स्किल को भी ग्रो करते रहो। अगर आप बाबा साहेब की बायोग्राफी देखोगे तो आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें नजर आएंगी, स्ट्रगल और सक्सेस। उन्होंने अपने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, परिस्थितियों ने बहुत कोशिश की उन्हें नीचा गिराने की, लेकिन बाबा साहेब हमेशा अपनी सोच के दम पर ऊपर उठते रहे। हम अपने जीवन में छोटी छोटी कठिनाइयों से ही हार मान लेते हैं, लेकिन आज बाबा साहेब की जीवनी से हमें ये सीख लेना चाहिए कि संघर्ष जितना बड़ा होगा आपकी सफलता भी उतनी ही शानदार होगी। आज 3 वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो उनकी स्पीच से निकले हैं, और स्पेशली हमारे देश के यूथ, हमारे पढ़ाई करने वाले बच्चों को इन 3 वर्ड्स को अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। नंबर 1, एजुकेट। बाबा साहेब की जीवनी से एक चीज तो क्लियर होती है कि एजुकेशन वो चाबी है जो हमें बहुत आगे तक लेकर जाती है। एजुकेशन से हमारी सोच बदलती है, हम दुनिया को अलग नजरिए से देख पाते हैं, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। और यहाँ पर एजुकेशन का मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं है, जितना ज्यादा हो सके अपनी जिंदगी से सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर बाबा साहेब एक छोटे से गांव से निकलकर सारे भेदभाव और हालातों से लड़कर कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं। इसलिए जहां भी कुछ अच्छा सीखने को मिले, लर्न फ्रॉम देम। दूसरा वर्ड है एजिटेट। एजिटेट का मतलब है आवाज उठाना। अम्बेडकर साहब ने पूरी जिंदगी गलत के खिलाफ आवाज उठाई, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि वो दूसरों के हक के लिए लड़े। इस चीज को हमें भी याद रखना होगा कि जब भी कुछ गलत नजर आए तो हम भी उसके खिलाफ आवाज उठाएं और अपने अंदर के डर को खत्म करके आगे बढ़ें। एंड थर्ड वर्ड है ऑर्गेनाइज। एक इंसान 26 डिग्रियां तभी कर सकता है जब वो ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे पहले उन्होंने अपनी सोच को ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि सोसाइटी के कितने सारे प्रेशर हैं, भेदभाव है, गरीबी है, लेकिन उस थॉट को ऑर्गेनाइज किया, अपने लाइफ के पर्पस को ऑर्गेनाइज किया, अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज किया और तभी वो अपने आप को इतना ज्यादा एक्सप्लोर कर पाए। आज की डेट में हम सबको ये बहुत सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम तो डिस्ट्रैक्शन की दुनिया से भरे हैं, ना हमारा टेबल ऑर्गेनाइज्ड है, ना हमारा माइंड ऑर्गेनाइज्ड है, और ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो गोल को अचीव कैसे करेंगे, जिंदगी में जो हम पाना चाहते हैं वो कैसे पाएंगे। तो बाबा साहेब ने सिर्फ दलितों को ही हक नहीं दिलाया, बल्कि उन्होंने मुझे, आपको, हम सबको जीना सिखाया, अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। उन्होंने सिर्फ सक्सेस अचीव नहीं किया, उन्होंने हम सबको फर्श से अर्श तक का, स्क्रैच से स्काई तक का रास्ता दिखाया। दोस्तों, एक महान इंसान को, जिंदगी का, उनके स्ट्रगल को, उनके अचीवमेंट्स को हम सबका नमन। और बस लास्ट में यही कहूंगी कि बाबा साहेब की लाइफ से सीखकर कोई भी व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति भी जीरो से हीरो बन सकता है। सो यस, एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड राइट योर ओन डेस्टिनी।